उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। केंद्र की योजनाओं के राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को मिल सके, ये कार्य शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रभावी ढंग से करके दिखा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों कार्य करने का एक जज्बा होता है। कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, लेकिन अब विकसित हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास करने वाला राज्य है। नए उद्योग लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए हाईवे बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही है, डैम बन रहे हैं, और यही नहीं IIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIM जैसे संस्थाओं की एक श्रृंखला के जरिए मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। प्रत्येक नागरिक को मिल सके यह कार्य शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होता है। आप याद करिए, कांग्रेस के समय यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। बीमारूपन से दूर होकर, इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया गया। अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नए उद्योग लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे हाईवे बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, और यही नहीं IIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIM जैसी संस्थाओं की श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही रामराज्य के उदाहरण है। एक ओर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है, दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, कोई होली दीपावली कुछ भी आई पता लगा कर्फ्यू। हमारे लिए पर्व और त्योहार उनके समय में भय और दहशत के माहौल के जैसे बन गए थे, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को हम आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। उत्साह और अमन के साथ पर्व और त्योहारों में पूरा समाज एकजुट होकर के इन आयोजनों में शामिल होता है। सरकार बदलने से, अच्छे नेतृत्व आने से कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं कि आपकी आस्था को सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही देगी। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते।